Hello dear students, welcome to SVS English classes. We are here to translate past perfect tense in passive voice. Number one पहचान, इस tense के passive voice हिंदी sentences के अंत में या जा चुका था, ये जा चुके थे, ई जा चुकी थी, या गया था, ये गए थे, ई गई थी जैसे आदि शब्द आते हैं. अनुवाद करने के लिए सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय डूअर प्लस अदर का प्रयोग किया जाता है. अब यहाँ देखिए, ये सेंटेंस हमने बोला अनुवाद करने के लिए सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय डूअर प्लस अदर का प्रयोग किया जाता है. या करते हैं, ठीक है, करते हैं, तो इसमें करने वाला भी दे रखा लेकिन ये एक्टिव वॉइस में है. किया जाता है, ये पैसिव वॉइस में है. तो हम किस प्रकार से बात को बोलते हैं, उसकी क्या पहचान है, इसी सेंटेंस से भी हम समझ सकते हैं, ठीक है. हालांकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है क्योंकि इसमें ते है आ रहा है, ता है आ रहा है, ठीक है. और हम इसमें चल रहे हैं पास्ट परफेक्ट में. एग्जांपल देखिए, हमारे द्वारा अपने मित्रों को पत्र लिखा जा चुका था. को कर्ता ने सब्जेक्ट हो गया, कर्म को ऑब्जेक्ट हो गया. ये इसमें ऑब्जेक्ट है जो हमें इस अनुवाद में पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाना है. अपने मित्रों को हमारे के अनुसार अवर आएगा. अवर फ्रेंड्स हैड बीन अब ध्यान देंगे, अगर इस तरह के पैसिव वॉइस के नियम को आप याद कर लेंगे अनुवाद के, तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का नियम याद हो जाएगा. और यदि हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम को याद कर लेते हैं तो यहाँ पर वो ट्रांसलेशन में काम आएंगे. तो अवर फ्रेंड्स हैड बीन रिटन ए लेटर बाय अस. हम इस सेंटेंस में देखते हैं तो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो अपने मित्र और दूसरा पत्र. हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है. यदि डायरेक्ट को बनाते हैं तो फिर हमें प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना पड़ेगा. थर्ड फॉर्म के बाद में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है. इसको देखेंगे आप, हम इसमें पत्र को ले रहे हैं. ए लेटर हैड बीन रिटन. अब यहां टू लिख करके तब आएगा अवर फ्रेंड्स बाय अस. दो प्रकार से इसको अनुवाद कर सकते हैं, एक में तो हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके हमने इसका अनुवाद किया है. तो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है उस चीज को भी समझने की आवश्यकता है, ओके. गत माह फसलें काटी जा चुकी थी, इसमें डूअर नहीं है, बस इतना अंतर है, ठीक है. तो क्या है इसमें सब्जेक्ट, फसलें. दी क्रॉप्स हैड बीन ये फर्स्ट फॉर्म होती है रीप,
ईडी लगा देंगे, रीप्ड। डूअर इसमें है नहीं क्योंकि डूअर को इसमें यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है लास्ट मंथ। उसके आने से पहले मेरे द्वारा पत्र लिखा गया था, ऊपर के दोनों सेंटेंसेज में एक कार्य है, ये तीसरा सेंटेंस है, एग्जाम्पल है, तो इसमें दो कार्य हैं। तो ये पहले कंजक्शन आ रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये पहले होने वाला है, पास्ट परफेक्ट है, इसी को पहले लिखा जाएगा और इसी में पैसिव वॉइस बनेगी। क्योंकि सेंटेंस हम इसमें पास्ट परफेक्ट का अनुवाद कर रहे हैं, तो इसमें पास्ट परफेक्ट का ही पैसिव वॉइस में अनुवाद किया जाएगा। इसमें पहले कंजक्शन वाले ही सेंटेंस आएंगे, बाद वाले नहीं। यदि बाद वाले का लिखते हैं तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहुंचेगा। तो इसलिए इसमें केवल जिन सेंटेंसेस में कंजक्शन पहले आ रहा है उन्हीं की पैसिव वॉइस बनेगी, क्योंकि पहले शब्द के बाद में जो भी कार्य होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा और उसी में पैसिव वॉइस बनेगी। तो मेरे द्वारा पत्र लिखा गया था पहले, वह बाद में आया। तो ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी बिफोर ही केम। परीक्षा समाप्त होने से पहले ही पुस्तकें उसके द्वारा नहीं बेची जा चुकी थीं। ठीक है, नेगेटिव में आ गया। तो पुस्तकें नहीं बेची जा चुकी थी द्वारा उसके पहले, बाद में परीक्षा समाप्त हुई। तो पुस्तकें नहीं बेची जा चुकी थीं, दी बुक्स हैड नॉट been sold by him before the exam ended। अभी देखिए, जब मैं आया तब क्या उसके द्वारा काम किया जा चुका था। ऐसे जब वाला सेंटेंस पहले अनुवाद होता है, चूंकि ये इंटरोगेटिव है तो इसलिए इंटरोगेटिव सेंटेंस पहले आएगा। क्या उसके द्वारा काम किया जा चुका था जब मैं आया, इस प्रकार से इसको अनुवाद करेंगे। तो ये फर्स्ट ऑफ इंटरोगेटिव है, क्या काम किया जा चुका था उसके द्वारा जब मैं आया। तो had the work been done by him when I came। Okay, क्या डॉक्टर के देखने से पहले उसे नर्स द्वारा इंजेक्शन नहीं दिया गया था। इस शुरू में क्या रहा है, इसका संबंध सीधा यहाँ से है। क्या उसे नर्स द्वारा इंजेक्शन नहीं दिया गया था पहले, बाद में डॉक्टर ने उसे देखा। तो हैड He been injected
नहीं भी है सॉरी, तो यहाँ पर नॉट आएगा। हैड ही नॉट बीन इंजेक्टेड बाय द नर्स बिफोर द डॉक्टर एग्जामिन्ड हिम क्वेश्चन मार्क। तो ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव नेगेटिव है, क्योंकि इसमें हेड शुरू में रखा गया है, यहाँ क्या आ रहा है और नहीं सब भी है, और नहीं के लिए नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है। क्या मेरे जागने से पहले उसके द्वारा अखबार पढ़ा जा चुका था, तो ये आ तो रहा है क्या इस कार्य से पहले, लेकिन इसका संबंध इस कार्य से है। क्या उसके द्वारा अखबार पढ़ा जा चुका था पहले, बाद में मैं जागा, तो हैड द न्यूज पेपर पीन रेड बाय हिम बिफोर आई गोट अप, जागना या उठना। दिवाली से पहले ही धोबी के द्वारा कपड़े क्यों नहीं धोए जा चुके थे, क्यों कपड़े नहीं धोए जा चुके थे द्वारा धोबी के पहले दिवाली से। तो वाई हैड द क्लोथ्स नॉट बीन वॉश्ड बाय द वॉशरमैन बिफोर दिवाली। वाई हैड द क्लोथ्स नॉट बीन वॉश्ड बाय द वॉशरमैन बिफोर दिवाली। ओके, मेरे पहुंचने से पहले ही यह गीत किसके द्वारा गाया जा चुका था, तो किसके द्वारा है, बाई होम। हेल्पिंग वर्ब, यह गीत दिस सॉन्ग बीन सम, किसके द्वारा यह गीत गाया गया पहले, बिफोर आई रीच्ड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, माँ के देखने से पहले ही बच्चे द्वारा क्या निगला गया था। यदि निगला है तो फिर लिया नहीं आएगा, और निगल है तो फिर लिया आएगा, ठीक है, इस चीज़ को भी समझ लेंगे, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक का कन्फ्यूजन ना हो। तो क्या निगल लिया गया था बच्चे द्वारा पहले माता के देखने से, ठीक है, तो वॉट हैड, इसमें वॉट ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, वॉट हैड बीन, निगलने के लिए आता है एस डब्ल्यू ए डबल एल ओ डब्ल्यू होता है, निगल लेना,
और ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म स्वेलोड बाय द चाइल्ड। बिफोर मदर सह क्वेश्चन मार्क लगेगा। तुम्हारे बताने से पहले ही क्या सूचना प्राप्त कर ली गई थी, क्या सूचना, ठीक है। यदि फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होता तो यहां पर आना चाहिए था क्योंकि इसमें दो कार्य हैं। तो क्या सूचना, व्हाट इंफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। तो व्हाट इंफॉर्मेशन यहां सब्जेक्ट के रूप में रखा जाएगा, व्हाट इंफॉर्मेशन। यहां जो व्हाट आ रहा है ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, इंफॉर्मेशन नाउन है, ठीक है। What information had been received? इसमें प्राप्त करने वाला नहीं है, ठीक है, वो understood है। जब understood है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसा अभी तक किया नहीं गया है कि understood है उसको हमने लिख दिया है, जैसा है वैसा ही उसको translate किया। Before you said, इस प्रकार से हमें ये पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी सेंटेंस अनुवाद करने हैं। हमें प्रत्येक सेंटेंस को केयरफुली और सिंसियरली स्टडी करना है और ये अब तक लगभग 6 टेंसेज के पैसिव हिंदी सेंटेंसेज हमने आपको ट्रांसलेट करके वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराए हैं। प्रत्येक टेंस के अनुवाद का स्ट्रक्चर एक्टिव में हो या पैसिव में हो समान होता है, ठीक है। अगर व्हाट इंफॉर्मेशन का है तो व्हाट के बाद इंफॉर्मेशन वाला अर्थात व्हाट के बाद नाउन का स्ट्रक्चर सबका एक प्रकार से होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको स्टडी करेंगे। ओके।